please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. जेना गुजरात में अमित शाह ने गुजरात में 150 सीट जीतने का दावा किया। यहाँ पर 150 सीट के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एजेंडा गुजरात में अमित शाह ने हार्दिक के कांग्रेस में जाने पर कोई फर्क नहीं पड़ने की बात कही। कोई किसी का भी साथ है, आप भी किसी का भी साथ दे सकते हो। अमित शाह ने कांग्रेस से गुजरात के सीएम उम्मीदवार का नाम घोषित करने की मांग की। कांग्रेस पार्टी इतना स्पष्ट करे कि चुनाव किसकी लीडरशिप में लड़े। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल गांधी के मंदिर जाने की चुनावी रणनीति का हिस्सा बताया। चलो अच्छी बात है, गुजरात चुनाव के कारण मंदिर जाने की तो आदत पड़ गई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में लश्कर का एक आतंकी मुठभेड़ में मारा गया। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने इस्तीफे की मांग करते हुए अरुण जेटली को गुजरात पर बोझ बताया। बांग्लादेश के रंगपुर में हिंदुओं पर हुए हमले के बाद बांग्लादेश सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया। सवाईमाधोपुर में खुले बोरवेल में गिरे बच्चे को बाहर निकालकर अस्पताल में ले जाया गया। राजस्थान के राजसमंद में बाइक सवारी करने आया विदेशी जोड़ा हादसे का शिकार हो गया। उदयपुर में आयकर विभाग की छापामारी में 18 करोड़ की बेनामी संपत्ति का पर्दाफाश हुआ। कोटा के जोलिया में शराब की दुकान बंद कराने के लिए महिलाओं ने गुलाबी गैंग बनाया। बाल मजदूरी के लिए बिहार से महाराष्ट्र ले जा रहे बच्चों को पुलिस ने मुक्त करवाया। बिहार कैबिनेट ने विश्वविद्यालयों के सितंबर महीने के वेतन के लिए 187 करोड़ रुपए जारी किए। पटना में गांजा तस्कर को छापामारी कर 54 लाख की नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया। चारा घोटाले में आरोप में दोषी पाए गए पूर्व आईएएस सजल चक्रवर्ती को 21 नवंबर को सजा सुनाई जाएगी। सीडी विवाद पर हार्दिक ने ट्वीट करते हुए बीजेपी को गुजरात में विकास की सीडी दिखाने की मांग की। दिल्ली के अलीपुर में एक युवक पर दो दोस्तों को गोली मारकर भागने का आरोप लगा। अफगानिस्तान के कांदार में आतंकी हमले में 27 पुलिस वालों की मौत हो गई। दिल्ली के म्यूजियम में शॉल चोरी करने वाले आरोपियों को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। यूपी के फतेहपुर में स्कूल के लड़कों से दोस्ती करने पर पिता ने बेटी की हत्या कर दी। दिल्ली के अशोक विहार में बाइक सवार बदमाश सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग के स्टिकर्स लेकर फरार हो गया। मध्य प्रदेश के खंडवा में मानसिक रोगी नाबालिग बहनों से रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। यूपी पुलिस ने सिग्नल में हेरफेर कर चलती ट्रेन को लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। जॉर्जिया में समलैंगिकों के अधिकार के लिए खेले जा रहे एक फुटबॉल मैच का विरोध हुआ। एजेंडा गुजरात में अमित शाह ने गुजरात को जाति में बांटने का आरोप लगाया। गुजरात को फिर से एक बार जाति में छिन्न विछिन्न करने का प्रयास हो रहा है। अब धीरे धीरे सच्चाइयां सामने आने लगी है। एजेंडा गुजरात में अमित शाह ने यशवंत सिन्हा के आरोपों पर बोलने से इनकार किया। चलिए मैं यशवंत सिन्हा जी पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। जी कांग्रेस नेता अल्पेश ठाकुर ने गुजरात चुनाव से पहले हत्या की आशंका जताई। हम में से किसी को भी ये मरवा सकते हैं, पर मरने के बाद भी ये सत्ता पाने का पूरा प्रयास करेंगे। कांग्रेस के प्रभारी अशोक गहलोत ने गुजरात में घर घर जाकर प्रचार अभियान शुरू किया। गुरुग्राम में पद्मावती फिल्म का विरोध कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर फाड़े। प्रधानमंत्री मोदी 18 नवंबर से गुजरात चुनाव में प्रचार की कमान खुद संभालेंगे। लखनऊ में जिस्म फरोशी के धंधे में शामिल लड़कियों को लूटने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ। मुंबई के पास भंडक में पैसे की खातिर एक बच्चे को उसके पिता के दोस्त ने मार डाला। अयोध्या विवाद का हल तलाशने के लिए श्री श्री रविशंकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से आज मुलाकात करेंगे। मुस्लिम धर्मगुरु फिरंगी महली ने बाबरी पर श्री श्री रविशंकर की पहल का स्वागत किया। उनके पास अगर कोई सिलसिले में मसौदा है, हम लोग उसको देख सकते हैं और उस पर तबादले ख्याल हो सकता है। मुरारी बाबू ने राम मंदिर मुद्दे पर श्री श्री रविशंकर की पहल का स्वागत किया।
यूपी नगर निकाय चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा ने भड़काऊ बयान दिया। चुनाव बाबर और राम के बीच है और राम को चुनाव जिताना, बाबर को बरेली से भगाना है। स्विट्जरलैंड में सबसे खूबसूरत हीरा करीब 220 करोड़ रुपए में नीलाम हुआ। यूपी के महोबा में पंपिंग सेट के शोरूम में हुई चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। दिल्ली के शहादरा में कारोबारी को लूटने वाले झपटमार सीसीटीवी में कैद हो गए। गुवाहाटी के एक स्कूल में तेंदुए ने घुसकर चार लोगों को घायल कर दिया। बेल्जियम में मोरक्को के विश्व कप में जगह बनाने पर प्रशंसकों का जश्न हिंसक हो गया। कोटा के एक सिनेमाघर में पद्मावती फिल्म का विज्ञापन देखने पर करणी सेना ने तोड़फोड़ की। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक आदमी ने गोलीबारी कर चार लोगों की जान ले ली। यूपी के शामली में पुलिस पर हुए हमले में आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए। उत्तराखंड में बीजेपी के चंदा लेने के अभियान पर कांग्रेस ने काले धन को सफेद करने का आरोप लगाया। भारतीय सेना ने चीन से लगी सीमाओं पर 9 सुरंगों को जल्द बनाने की मांग की। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड के सिलेबस में जरूरी बदलाव का काम पूरा कर लिया गया है। गुजरात चुनाव में उम्मीदवार तय करने बीजेपी संसदीय बोर्ड की आज बैठक होगी। जैम्बिया में एक होटल के अंदर टहलते दो हाथियों ने कर्मचारियों को हैरान कर दिया। अयोध्या विवाद के हल के लिए श्री रविशंकर अयोध्या में सभी पक्षकारों से मिलेंगे। नोटबंदी को लेकर यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री मोदी की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की। दिल्ली के प्रदूषण पर चर्चा के लिए अरविंद केजरीवाल हरियाणा के सीएम खट्टर से मिलेंगे। सोनीपत के डीपीआरओ ने पत्रकारों को सीएम के कार्यक्रम में दूर से काम करने का आदेश दिया। पटना में महिलाओं ने जमीन अधिग्रहण के खिलाफ गंगा आरती की। मनीला में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ आसियान देशों से एकजुट होने की अपील की। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में ट्रकों पर लगी रोक को अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है। लुधियाना में भी धुएं वाले कोहरे से लोगों को आंखों में जलन जैसी परेशानी हो रही है। केजरीवाल पर पर्यावरण संरक्षण के नाम पर वसूली गई रकम को खर्च नहीं करने का आरोप लगा। चेक रिपब्लिक के चिड़ियाघर में दुनिया से विलुप्त होने वाले बाघों ने जन्म लिया। आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने 17 नवंबर को संसद भवन तक मार्च करने का ऐलान किया। अभिनेता जॉन इब्राहिम ने असम में एक विश्व स्तरीय फुटबॉल अकादमी खोलने की इच्छा जताई। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में किसान आंदोलन के चलते सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयान पर पाबंदी लगी। ममता सरकार पंचायत चुनाव से पहले पंचायत क्षेत्र में रहने वाले लोगों में गाय बांटेगी। नेपाल सरकार ने बूढ़ी गंडक जल बिजली परियोजना के लिए चीन के साथ हुए करार को खत्म किया। प्रद्युम्न के पिता आरोपी छात्र को बालिग मानकर केस चलाने की याचिका आज कोर्ट में देंगे। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में 3 धमाकों के बाद सेना ने सड़कों पर मार्च संभाला। बिहार के सासाराम में झूठी शान की खातिर एक पिता ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी की जान ले ली। तेलंगाना में एक महिला होमगार्ड से मसाज कराने के मामले में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। ईरान इराक सीमा पर आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 530 तक पहुंची। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सीडी मामले में घिरे हार्दिक पटेल का बचाव किया। सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया। मुंबई के अंधेरी में एचडीएफसी बैंक के एक एटीएम में आग लगने से लाखों रुपए जलकर खाक हो गए। ब्रिटेन के पॉप बैंड स्पाइस गर्ल्स के सदस्य 2012 के बाद फिर से एक साथ दिखने जा रहे हैं। श्रीनगर की मशहूर खानकाही मौला के मजार पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में घुस रहे एक संदिग्ध लड़के को जवानों ने गोली मारी। भ्रष्टाचार के मामले में पाकिस्तान के वित्त मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। दिल्ली में 1.5 साल की बच्ची के रेप के आरोपी केयरटेकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। चीन के वुएयांग में दिसंबर से दुनिया का पहला वर्चुअल रियलिटी थीम पार्क खुल जाएगा।
यूपी के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल ने के एक वीडियो में कुछ कार्यकर्ता उनके पैर दबा रहे हैं। हरियाणा के झज्जर में 12 लाख का इनामी गैंगस्टर साणा समेत 8 को गिरफ्तार किया गया। हरियाणा के फरीदाबाद में वरिष्ठ आईएएस अफसर प्रवीण कुमार कूड़े में पड़े खाने को उठाकर भूखे जानवरों को डालते हैं। ब्राजील में एक कार को नुकसान पहुंचाने वाला घोड़ा करीब 24 घंटे जेल में बंद रहा। माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर 17 साल बाद एक बार फिर से फिल्म टोटल धमाल में साथ नजर आएंगे। मुंबई के लोअर परेल में सबसे बड़ी खबर दे रही है, दिल्ली के पास गाजियाबाद में मौजूद हिंडन एयरबेस में एक संदिग्ध ने घुसने की कोशिश की, एयरबेस की दीवार फांदने की कोशिश की और इसी दौरान संदिग्ध सुजीत पर सुरक्षा कर्मियों की नजर पड़ गई। उन्होंने उस पर गोली चला दी। सुरक्षा कर्मियों की गोली से संदिग्ध घायल हो गया, जिसे एयरबेस के अस्पताल में ही भर्ती करवाया गया। जानकारी के मुताबिक संदिग्ध सुजीत यूपी के प्रतापगढ़ का रहने वाला है। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस संदिग्ध से पूछताछ कर रही है। सहीबाबाद क्षेत्र में हिंडन एयरबेस पे एक संदिग्ध आदमी की अरेस्ट हुई है, जो अपने को ऋषि प्रतापगढ़ का रहने वाला बता रहा है। अरेस्ट के समय उसके पैर में गोली लगी है। विस्तृत छानबीन और पूछताछ अभी हो रही है, डिटेल जैसे मिल जाएगा तो बताएंगे। क्या होता है, मेरे पास बहुत मजबूरी थी, कुछ खाने पीने के लिए तो नहीं था, इसके लिए मैं चला गया था। अभी ऐसा कभी करूँगा नहीं, वीडियो नहीं फोटो लिया था बस। क्या होता है, मैं आनंद बिहार से आया था मैं, और मैं जा रहा था पैदल ही। हाँ बच्चा है मुझे, और कुछ नहीं साहब, और कुछ नहीं जानता। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में कल एक 22 साल के युवक ने घुसने की कोशिश की, जिसके बाद वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे काफी रोकने की कोशिश की। आपको बता दें कि सिक्योरिटी के लिहाज से गाजियाबाद हिंडन बेस बेहद संवेदनशील है, और कल एक 22 साल के सुजीत नाम के युवक ने इसमें घुसने की कोशिश की, जो बताया जा रहा है कि प्रतापगढ़ का है। सुरक्षा कर्मियों ने कल जब उसे रोकने की कोशिश की और उसने उनकी बात नहीं सुनी, तो मजबूरन सुरक्षा कर्मियों को गोली चलानी पड़ी। युवक के पैर में जो है गोली लगी है, बताया जा रहा है जानकारी के मुताबिक, और वो इसी हिंडन एयरबेस के हॉस्पिटल में जो है भर्ती है। फिलहाल जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक युवक ने कहा है कि उसे जानकारी ही नहीं मिली कि वो हिंडन एयरबेस के अंदर जा रहा है और उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। हाई सिक्योरिटी जो है हिंडन एयरबेस है, और इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने भी जो है अलर्ट जारी किया था कि इस पर जो है आतंकी हमले की साजिश हो सकती है। ऐसे में ये मामला बेहद संवेदनशील है। बताया जा रहा है कल रात को यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों के भी तमाम अधिकारी पहुँच चुके थे। फिलहाल गाजियाबाद पुलिस जो है इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। अपनी सफाई में हालांकि युवक ने बताया कि उसे जानकारी नहीं मिली कि वो कहाँ जा रहा है, तो हो सकता है कि वो या तो नशे की हालत में था या फिर कोई और इरादा लेकर हिंडन एयरबेस के भीतर घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसे फिलहाल सुरक्षा कर्मियों ने नाकाम कर दिया। मेरे सहयोगी गणेश और संतोष के साथ शीतल नंदन, न्यूज 18 इंडिया। अयोध्या विवाद का हल तलाशने के लिए श्री रविशंकर यूपी के सीएम योगी से मिले। अमित शाह ने नेटवर्क 18 के कार्यक्रम एजेंडा गुजरात में कांग्रेस को लीडर एजेंडा और विजनहीन पार्टी बताया। कांग्रेस पार्टी के पास न एजेंडा है, न विजन है, न लीडर है। बीजेपी को झटका देते हुए चुनाव आयोग ने गुजरात में पप्पू शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाई। कांग्रेस ने प्रद्युम्न हत्याकांड में हरियाणा सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि खट्टर सरकार सीबीआई जांच से घबरा क्यों रही है। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने नोटबंदी को तुगलक की फरमान बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की, जबकि जेटली को गुजरात पर बोझ बताया। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस की दीवार फांदते संदिग्ध को सुरक्षा बलों ने गोली मारी।